जय हिंद डिफेंस लवर्स, आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। अरुणाचल प्रदेश में आए एवलॉन्च में इंडियन आर्मी के साथ वीरों ने दिया अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान। ग्रे हाउंड्स पुलिस स्पेशल फोर्स के साथ अब एनएसजी कमांडोज को दी जा रही है खास तरह की ट्रेनिंग। हुंडई मोटर्स वाले मामले पर साउथ कोरिया के विदेश मंत्री ने जताया खेद। 14 सालों के बाद इसरो ने सफलतापूर्वक डिस्कार्ड करी अपनी इनसेट 4B सैटेलाइट। और फेसबुक और इंस्टाग्राम ने इंडियन आर्मी चिनार कोर के ऑफिशियल हैंडल्स को किया ब्लॉक। अरुणाचल प्रदेश से बेहद ही दुखद खबर सामने आई है। अभी जो 6 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश के कामेंग सेक्टर में जो एक हैवी एवलॉन्च आने की वजह से हमारे 7 वीर जवान उसमें फंस गए थे और जिसके बाद उन सभी को ढूंढने के लिए सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया गया था। तो आज ये ऑपरेशन तो पूरा हो चुका है, लेकिन हमारी आर्मी के जो 7 वीर जवान इस एवलॉन्च में फंस गए थे उनमें से किसी को भी नहीं बचाया जा सका है। और हमारे इन 7 वीरों ने इस देश की रक्षा करते हुए अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया है। और बाकी एवलॉन्च साइट से रेस्क्यू टीम द्वारा इन 7 वीरों के पार्थिव शरीर को रिकवर कर लिया गया है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारे इन वीरों की आत्मा को शांति मिले और इन सभी के परिवार को इस दुख के संकट का सामना करने की हिम्मत मिले और ये देश इन वीरों के सर्वोच्च बलिदान के लिए सदा इनका ऋणी रहेगा। और जबकि एक अपडेट छत्तीसगढ़ से भी सामने आया है, जहां आज एक IED ब्लास्ट में हमारे CRPF के 4 जवान घायल हुए हैं। और पहले इन घायल जवानों को मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था और फिर बाद में इन 4 जवानों में से 3 जवानों को और भी बेहतर उपचार के लिए रायपुर में एयरलिफ्ट किया गया है। हम ईश्वर से इन वीरों की फास्ट रिकवरी की प्रार्थना करते हैं। न्यूज 18 की तरफ से रिपोर्ट जारी करके बताया गया है कि भारत की एलीट काउंटर टेररिज्म यूनिट नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, तो इस यूनिट के एनएसजी कमांडोज ने ग्रे हाउंड्स एंटी नक्सल फोर्स के साथ ट्रेनिंग स्टार्ट करी है। और न्यूज 18 की इस रिपोर्ट में कुछ सोर्सेज के हवाले से बताया गया है कि एनएसजी कमांडोज का एक ग्रुप हैदराबाद के किसी रिस्ट्रिक्टेड एरिया में इस ग्रे हाउंड्स फोर्स के साथ ट्रेनिंग कर रहा है और ये एक तरह की रूटीन ट्रेनिंग है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि जो ग्रे हाउंड्स हैं ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना पुलिस डिपार्टमेंट की एक पुलिस स्पेशल फोर्सेस यूनिट है जो कि नक्सल्स और माओवीस्ट के खिलाफ काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में स्पेशलाइज्ड मानी जाती हैं। यानी कि इन शॉर्ट आप कह सकते हैं कि जंगल वॉरफेयर के मामले में ये एक्सपर्ट हैं। और ऑफिशियल्स का कहना है कि ऐसा पहली बार है जब एनएसजी कमांडोज को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से एंटी नक्सल ऑपरेशंस के लिए ट्रेन किया जा रहा है और वो भी एक स्पेशलाइज्ड एंटी नक्सल फोर्स के द्वारा। और जबकि न्यूज 18 की इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि भारत सरकार ने पहले एनएसजी फोर्स को इस तरह की ट्रेनिंग देने की जो योजना है उसे 2013 में डिस्कस किया था, लेकिन फिर उसके बाद इस योजना को कभी भी एग्जीक्यूट नहीं किया गया। लेकिन अब जाकर इस योजना पर काम चल रहा है और लगभग 6 सप्ताह से एनएसजी कमांडोज ग्रे हाउंड्स के साथ एंटी नक्सल ऑपरेशंस की ट्रेनिंग कर रही है। और इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि एनएसजी की जो टीम इस ट्रेनिंग का हिस्सा बनी है तो उन्हें रूटीन ऑपरेशंस में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा बल्कि वो स्पेशल ऑपरेशंस के लिए होंगी। और इस ट्रेनिंग के दौरान एनएसजी कमांडोज नक्सल्स के साथ डील करने वाले स्किल्स को सीखेंगे। और जबकि जंगल वॉरफेयर के मामले में एनएसजी कमांडोज को 2002 में भी वीरप्पन की तलाश के लिए इस्तेमाल किया गया था, पर चूंकि अब एनएसजी कमांडोज को प्रॉपर तरीके से ही जंगल वॉरफेयर के लिए ट्रेन किया जा रहा है तो इससे इस बात की भी संभावना बनती है कि आने वाले समय में जल्दी एनएसजी को रेड जोन वाले ऑपरेशंस के लिए भी तैयार किया जा सकता है। भारत सरकार की तरफ से साउथ कोरियन इन्वॉय को हिंडे पाकिस्तान की उस घटिया हरकत के बारे में सूचित किया गया है जिसमें कश्मीर को लेकर एक बेहद ही स्टूपिड सा ट्वीट किया गया था। और हिंडे पाकिस्तान की इसी हरकत पर साउथ कोरिया के विदेश मंत्री ने अपने इंडियन काउंटर पार्ट यानी कि भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से फोन पर वार्ता के दौरान हिंडे पाकिस्तान की इस हरकत पर अपना खेद व्यक्त किया है। और इस बात की जानकारी खुद भारतीय विदेश मंत्री के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके दी गई है, जिस पर उन्होंने बताया कि उन्हें साउथ कोरिया के विदेश मंत्री की तरफ से कॉल आया और इस दौरान दोनों देशों के बायलेटरल और मल्टीलेटरल इश्यूज को डिस्कस किया गया और इसमें हिंडे वाला मैटर भी शामिल था। और फिर जब भारत ने साउथ कोरियन इन्वॉय को इस मैटर के बारे में सूचित किया था और इस मामले में स्पष्टीकरण की मांग रखी थी और जिसके बाद इस आपत्तिजनक पोस्ट को बाद में तुरंत ही हटा दिया गया था। और भारतीय विदेश मंत्रालय द्वारा साउथ कोरिया के इन्वॉय को यह भी बताया गया कि ये जो मामला है ये भारत की क्षेत्रीय अखंडता से संबंधित है और जिस पर हम कोई भी समझौता नहीं कर सकते हैं। और इस पर भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से भी कहा गया कि भारत विभिन्न क्षेत्रों में विदेशी कंपनियों के निवेश का स्वागत करता है, लेकिन यह भी उम्मीद करता है कि ऐसी कंपनियां या उनके सहयोगी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के मामलों पर झूठी और भ्रामक टिप्पणियों से दूरी बनाए रखेंगे। और जबकि अब हिंडे इंडिया की तरफ से इसी मामले पर एक और ऑफिशियल स्टेटमेंट देखने को मिली है जिसमें यह कहा गया है कि एक व्यापार नीति के रूप में जो हिंडे मोटर कंपनी है वो किसी विशिष्ट क्षेत्र में राजनीतिक या धार्मिक मुद्दों पर टिप्पणी नहीं करती है और इसलिए ये स्पष्ट रूप से हिंडे मोटर की नीति के खिलाफ है। और जो पाकिस्तान में स्वतंत्र रूप से स्वामित्व वाले इस डीलर ने अपने खुद के अकाउंट से अनऑथराइज्ड कश्मीर से रिलेटेड सोशल मीडिया पोस्ट किए और बाकी उस पाकिस्तानी हैंडल से पोस्ट हटाने के साथ
हुंडई ने इस बात का आश्वासन देने का प्रयास किया है कि वो पाकिस्तानी डिस्ट्रीब्यूटर की अनऑथोराइज नॉन बिजनेस रिलेटेड सोशल मीडिया एक्टिविटीज को रिजेक्ट करते हैं। यानी कि कहने का मतलब यह है कि हुंडई इंडिया ने तो अपनी इस दूसरी स्टेटमेंट से अपने उस पाकिस्तानी डिस्ट्रीब्यूटर से तो पूरी तरीके से पल्ला झाड़ लिया है। खैर, ये दूसरी ऑफिशियल स्टेटमेंट कहां तक जायज है इसके बारे में तो सबका अपना अपना ओपिनियन हो सकता है, लेकिन इस पूरे मामले में हमें जो एक चीज बहुत सही लगी वो ये है कि भारत सरकार अब इस तरह के मामलों पर बहुत तेजी से एक्शन ले रही है। और बाकी पाकिस्तान के इस हरकत से साफ जाहिर हो रहा है कि वो कैसे इंटरनेशनल कंपनीज के सोशल मीडिया अकाउंट्स को अब कश्मीर के खिलाफ एक टूल किट की तरह इस्तेमाल कर रहा है। और भले ही हुंडई की जो दूसरी ऑफिशियल स्टेटमेंट है इसमें ये तो कह दिया है कि पाकिस्तान में जो ये हुंडई डिस्ट्रीब्यूटर है वो हुंडई ग्लोबल की कोई एंटिटी नहीं है, पर हुंडई को ये बात समझनी होगी कि पाकिस्तान का ये जो अकाउंट है वो उनका नाम का इस्तेमाल करके किस तरीके से भारत और साउथ कोरिया के जो रिलेशंस हैं उनको खराब करने की कोशिश में है। बेंगलुरु बेस्ड भारत की डिफेंस हाईटेक स्टार्टअप जिसका नाम है टॉनबो इमेजिंग, तो इस कंपनी के द्वारा पिछले साल एरो इंडिया शो के दौरान उनके स्टार नाम के सी थ्रू आर्मर सिस्टम को प्रदर्शित किया गया था। तो अब इसी को लेकर कंपनी की तरफ से दावा किया गया है कि जो उनका ये स्टार सी थ्रू आर्मर सिस्टम है तो इसे उन्होंने अपग्रेड किया है और इस अपग्रेड में इस सी थ्रू आर्मर के साइज, वेट और पावर को 30% तक कम किया गया है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि कंपनी ने अपने सी थ्रू आर्मर को और भी ज्यादा कॉम्पैक्ट बना लिया है। और इस सब में सबसे कमाल की बात यह है कि टॉनबो इमेजिंग ने अपने सिस्टम को केवल 30 महीनों के अंदर विकसित किया है। और बाकी इसके अलावा एक अपडेट है भारत के स्पेस सेक्टर से, और वो ये है कि भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने 14 सालों के सर्विस के बाद अपने कम्युनिकेशन सैटेलाइट इनसैट 4B को सफलतापूर्वक डिस्कार्ड किया है। इस सैटेलाइट के ऑर्बिट में ऑपरेशन लाइफ कंप्लीट हो चुकी थी और फिर इसे 24 जनवरी को डीकमीशन कर दिया गया था। और इसरो ऑफिशियल्स की तरफ से बताया गया है कि सावधानी पूर्वक योजना और फ्लॉलेस एग्जीक्यूशन मार्क्स के माध्यम से इनसैट 4B का सफलतापूर्वक पोस्ट मिशन डिस्पोजल किया गया है, जो कि आउटर स्पेस ऑपरेशंस की सेफ्टी और सस्टेनेबिलिटी को सुनिश्चित करने का इसरो का एक और प्रयास है। और जबकि एक अपडेट ये भी है कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के नए डायरेक्टर के तौर पर डॉक्टर एस उन्नीकृष्णन ने चार्ज संभाल लिया है। और जानकारी के लिए आपको बता दें कि डॉक्टर एस उन्नीकृष्णन भारत के एक प्रतिष्ठित वैज्ञानिक और लॉन्च व्हीकल स्पेशलिस्ट हैं। और वैसे वैज्ञानिक से याद आया, सोनी लिप पर भारत के उन ग्रेट साइंटिस्ट पर एक नई सीरीज आई है जिसका नाम है रॉकेट बॉयज, और ये सीरीज भारत के उन साइंटिस्ट को समर्पित है जो अगर नहीं होते और उन्होंने जो किया वो नहीं किया होता तो शायद आज हमारी स्पेस एजेंसी इसरो जिस मुकाम पर है तो उस मुकाम पर नहीं होती। और इसी रॉकेट बॉयज के बारे में हमने अपने स्क्वाडियन चैनल पर एक शॉर्ट वीडियो भी अपलोड करी है, अगर आप चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम ने इंडियन आर्मी की चिनार कोर के ऑफिशियल हैंडल्स को ब्लॉक कर दिया है। और इस मामले पर पीटीआई न्यूज एजेंसी की तरफ से जो रिपोर्ट जारी की गई है और जिसमें ऑफिशियल्स के हवाले से बताया गया है कि फेसबुक और इंस्टाग्राम ने इंडियन आर्मी की चिनार कोर के हैंडल्स को एक सप्ताह से अधिक समय के लिए बंद कर दिया है। और जब इस मामले पर इंडियन आर्मी ऑफिशियल्स की तरफ से उन्हें कॉन्टैक्ट किया गया तो उनकी तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया है। ऑफिशियल का कहना है कि फेसबुक और इंस्टाग्राम पर ये पेज इसलिए बनाए गए हैं ताकि सीमा पार से जो झूठ और दुष्प्रचार को फैलाने की कोशिश होती रहती है तो उन सभी का खंडन करने और कश्मीर घाटी के लोगों को वास्तविक स्थिति से अवगत कराने के लिए बनाए गए थे। और अभी जिस समय हमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो अभी तक तो फेसबुक और इंस्टाग्राम की तरफ से इस मामले पर कोई भी रिस्पॉन्ड देखने को नहीं मिला है। और बाकी इस मामले पर आपके जो भी विचार हैं आप उसे कमेंट सेक्शन में शेयर करना ना भूलें। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि परमवीर चक्र से सम्मानित सूबेदार संजय कुमार को सूबेदार मेजर के रैंक पर प्रमोट किया गया है। और क्या आप जानते हैं कि सूबेदार मेजर संजय कुमार सर वर्तमान समय में एकमात्र सर्विंग परमवीर चक्र विजेता हैं और अभी वर्तमान समय में वे एनडीए में पोस्टेड हैं। और इस बात में कोई संदेह नहीं है कि एनडीए में इंडियन आर्म फोर्सेस के भविष्य के नेतृत्व के लिए प्रेरणा के स्रोत साहस, वीरता और एक ट्रू मिलिट्री एथोस के लिविंग एग्जाम्पल रहेंगे। और बाकी जाते जाते आज आपको एक और जोक सुनाते हैं। तो बात कुछ ऐसी है कि भारत के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम और रफाल फाइटर्स के जवाब में पाकिस्तान 10th जनरेशन कम स्पेसशिप जंग फाइटर 17 के ब्लॉक 3 वर्जन की 50 यूनिट्स को इंडक्ट कर रहा है। तो अगर आपको जोक पसंद आया तो आपको बताइए कि आपने वीडियो को लाइक करना है, और अगर पसंद नहीं आया है तो भी लाइक कर देना है। और इसी के साथ अब समय हो गया है आज के इतिहास का। तो आपको बता दें कि आज के दिन 2020 में अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए इंडियन आर्मी के नायक राजीव सिंह शेखावत वीरगति को प्राप्त हुए थे। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इस वीडियो को लेकर कोई भी सुझाव हो, सवाल हो, उसके लिए कॉमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।